रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनीषा अटरिया नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी, जिसे गुटखा खाने की गंदी लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसके दांत लाल पड़ गए थे, जिसके चलते कहीं भी उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए समर नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के का रिश्ता आता है, जो कि शहर में अपनी माँ गायत्री के साथ रहता था। मनीषा की माँ पूनम अपनी बेटी के दांतों को साफ करवा देती है ताकि उसका रिश्ता पक्का हो सके। समर अपनी माँ के साथ मनीषा के घर उसे देखने आता है। दामाद जी, हमारी बेटी बहुत गुनी है, किसी भी चीज की कौनो लत नहीं है उसको। जी मैं कुछ समझी नहीं, की कहा तुसे? अब जी वो मैं ये कह रही थी कि इसको खराटे लेने की लत नहीं है। वो होती है ना कुछ लड़कियाँ खराटा लेती रहती हैं। ओह बहन जी, कितना दिया गल्ला कर रहे हो। खराटे मारना भी कोई बुरी आदत है? खराटे तो मैं भी मार दिया। हाँ आंटी जी, माँ के कहने का वही मतलब था। और आपने मेरे दांत देखे कितने सफेद है, देखो। हाँ हाँ ठीक है, पर हुन तो आंटी नहीं, मैं तेरी होने वाली सासू माँ हूँ। ता हुन तो मेनू ना सिर्फ मम्मी जी ही कहना, और मेरे वल्लो ए रिश्ता पक्का। इस तरह मनीषा और समर का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन मनीषा को गुटखा खाने की बेचैनी होने लगती है, जिसकी वजह से वो दुकान से कई सारे गुटखे के पैकेट छुपा कर घर ले आती है। और जब भी उसका गुटखा खाने का मन करता है, वो एक पैकेट निकाल कर खा लेती। ऐसे ही एक दिन जब समर बेड के नीचे से अपनी चप्पल निकाल रहा होता है, तभी उसके हाथ गुटखे का पैकेट लग जाता है। समर उस पैकेट को लेकर हॉल में जाता है और सभी को आवाज लगाता है। माँ, मनीषा, क्या है सब? की हो या पुत्तर? ये देखो गुटखे का पैकेट। अरे ये मेरे कमरे में कहाँ से आया? हाय हाय, छी छी, एक ही है, दूर कर इसमें मेरे तो। इस सब को देखकर मनीषा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए कहती है, माँ जी मुझे लगता है ये ना इन्हीं के हैं। भला घर में तो बस हम दो औरतें रहती हैं और हम दोनों ये सब खाएंगी? आई हाय, कभी नहीं। क्या बकवास है ये सब? अरे मैं खाऊंगा क्या, तुम्हें लाकर दिखाऊंगा। मुझे बस ये बता दो कि ये मेरे कमरे में कहाँ से आया। मैं भी यही सोच रही थी, आज से पहले तो हमारे घर में ये सब कुछ कभी नहीं मिला, आज कहाँ से आ गया? बहू किते तेरा तो नहीं? नहीं नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं और ये सब खाऊंगी? कभी नहीं। छी छी, ओ पुत्तर जी, सारा दिन घर विच पड़ोसी आंदे जांदे रहंदे ने, हो सकता किसे ने छुपा दित्ता होए। इस तरह मनीषा अपने आप को बचा लेती है। वक्त बीतता जाता है, मनीषा की गुटखा खाने की लत बढ़ती ही जाती है। वो उन पैकेट्स को एक बक्से में डालकर उस बक्से को ताला लगा देती है और जब भी उसका मन करता वो चुपके से उसमें से गुटखा निकाल कर खा लेती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास को गमले में थूके हुए गुटखे के निशान मिलते हैं। गायत्री को अपनी बहू पर शक होने लगता है, जिसके चलते वो अपनी बहू की जासूसी करने लगती है। एक रात जब मनीषा गुटखा खाने के लिए छत पर जाती है, तभी उसकी सास उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने बेटे को बुला लेती है। हाय हाय, मित्रा नास जाए तू मर जाए, तेनू शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? समर पुत्तर जल्दी आ उठते और देख ले अपने बीवी के कारनामे। माना काम मेरा हाथ छोड़ दिया, मुझे डर हो रहा है। क्या हुआ माँ, आपने मनीषा को ऐसे क्यों पकड़ा है? पुत्तर जी, जो उस दिन गुटके दा पैकेट तुम्हारे हाथ लगा सी ना, ओ होर किसे दा नहीं, ऐसे दा सी। ए होई है जेड़ी साडे घर विच गुटके खांदी है। क्या ये सच है मनीषा? मुंह खोलो अपना, मुझे देखना है कि तुम्हारे मुंह में क्या है। काटे हो मां गुटका, क्या कर लोगे? हां
कोई पाप थोड़ी कर दिया माने, अरे तुम दोनों माँ बैठो तो मेरा पीछे ही पड़ गए। सुभान दा देखो कितना कैंची वांगो चलोंदी है। अरे बाबा देखो, गुटखा खाने से कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, और ये एक नशे का पदार्थ है जो तुम्हारे दिमाग का संतुलन खराब कर सकता है, समझी तुम? अरे इतना सालों से खा रही हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा? बात तेरी सेहत और हमारी रिस्पेक्ट की है, सारे मोहल्ले वाले साडे उत्ते हसनगे जदो किसी नु पता लग गया कि तू गुटके खानी है। छी छी, हाय हुण की मुंह दिखाऊंगी मैं लोकां नु। अपना ये भाषण ना मुझे मत दो, अब मैं आपा यही सब खाते रहूंगी। गायत्री और समर उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर वो किसी की भी बात नहीं मानती और गुटखा खाती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और लंबे समय से गुटखे का सेवन करने की वजह से मनीषा की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। समर उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि अधिक गुटखा खाने की वजह से मनीषा लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पर आ गई है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये बात सुनकर समर का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो दिन रात एक करके अपनी पत्नी की सेवा करता है। अपने पति का इतना ज्यादा प्यार देखकर मनीषा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता और मैं आज सही सलामत आपके साथ होती। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, हर पल तुम्हें समझाता रहा, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और अपना यह हाल कर लिया। हाँ, मैं सब जानती हूँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ बोलो। समय बस मुझे एक बार गले से लगा लो, मुझे नहीं पता मैं और जी पाऊंगी भी या नहीं, मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा, हौसला रखो। नहीं समय, अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें अलविदा बोल दूँ, मुझे माफ कर देना, मैं कभी एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। I love you समर and I'm sorry। इतना कहकर मनीषा वहीं अपना दम तोड़ देती है। सभी परिवार वाले उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। मनीषा की मौत के बाद समर एक नशा मुक्ति एनजीओ का हिस्सा बन जाता है और जगह जगह जाकर गुटखा और उसके जैसे अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ना करने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना शुरू कर देता है और अपनी ताउम्र मनीषा की यादों और समाज की सेवा में बिता देता है। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये गुटके वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से गुटके का सेवन करती है? और आपको हमारी इस कहानी से ये तो पता चल ही गया होगा कि गुटखा हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। अगर कोई ऐसी बहू आपके घर के आसपास है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।